बज रही है भाई? कोई बज रही है? कोई है नहीं बज रही। ये देखो भाई साहब, दो पराठे खाने भारी कर दिए रैपिडो ने। टेबल पर भी प्रचार लगा रखा रैपिडो ने अपना। तो ये हाल है कि आदमी का। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। फ्रेंड्स, पोर्टर पर अभी तक मेरे पास एक भी ट्रिप नहीं आ रही थी और मैंने इसीलिए साइड ऑफ एक्स को ज्वाइन किया है क्योंकि ऑर्डर्स की भाई काफ़ी कमी है। तो मैंने यहाँ पर एक ऑर्डर एक्सेप्ट किया साइड ऑफ एक्स का और ये होने वाला है 51 रुपये का। तो इसमें मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये हमारे को पिकअप लोकेशन नेविगेशन ऑन करके वहाँ पर जाना है। और ये हमारा 280 मीटर से है, यानी कि यहीं से पास से पिकअप है। तो देखो यार, मेरे से कई बार अभी पूछा जा रहा है जैसे पिछली वीडियो को देखकर कि भाई आपने साइड ऑफ एक्स क्यों ज्वाइन कर लिया। तो साइड ऑफ एक्स थर्ड पार्टी है यार, तो यानी कि काम इनके पास आता रहता है। जैसे अपोलो का आ गया, कभी साइड ऑफ एक्स का मतलब कि स्विगी का आ गया, या इधर उधर का काम आता रहेगा, खाली नहीं रहना पड़ेगा। जैसे काफ़ी देर से मैं अभी वेट कर रहा था पोर्टर पर कोई ट्रिप आ जाएगी, तो अब ये है कि मेरे पास एक ऑप्शन हो गया कि अब मैं मतलब कि पोर्टर भी करता रहूँगा और जैसे बीच बीच में इसका करता रहा तो खाली नहीं रहना पड़ेगा। बाकी जाता हूँ यार, जाकर पिकअप ले लेते हैं। तो भाई यहाँ से हमारा पार्सल पिकअप होना है द पिज़्ज़ा डे। भैया एक वो ऑर्डर है। हैं? हाँ, स्विगी का है। स्विगी का आया। यहाँ पर हम पहले स्विफ्ट टू मार्क अराइव कर देते हैं। हम लोग यहाँ पर आ गए हैं, ठीक है। अब ये ऑर्डर मिलेगा तो यहाँ पर इसको जैसे हम करेंगे स्लाइड तो फिर डिटेल आ जाएगी जो भी ऑर्डर है। बाकी अभी ऑर्डर हमारे को मिलने दो, तब चेक कर लेंगे हम। ऑर्डर आईडी इसमें जोमेटो की तरह लिखी हुई, जैसे 18-22 लिखी हुई है, इसी तरीके से ऑर्डर आईडी होती है। अभी यहाँ पर डिटेल कस्टमर की ओपन नहीं हुई है, वो जब ओपन होगी जब हम लोग ऑर्डर ले लेंगे। कोई गुड्डू करके बंदा है तो वहाँ पर लेके जाना हमारे को इसे। लोकेश नाम है मेरा, लोकेश नाम है। हाँ, अब इसको कैरी करने के लिए वैसे बैग होने चाहिए कायदे से। तो बैग कंपनी ने दिया नहीं है मेरे को, तो फिर इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? हैं? अब बताओ इस चीज़ों को मैं कैसे लेके जाऊँ? इसमें ऐसा कैरी करने वाला होना चाहिए, वो ऐसे कैरी करने वाला है ही नहीं। उल्टा मेरे को बोल रहे हैं कि मैं बैग लेके नहीं आया। अब बताओ मैं इसको ऐसे लेके जाऊँगा? देख रहे हो, इस तरीके से लेके जाना पड़ेगा मुझे। चलो भाई क्या करें, ऐसे लेके जाऊंगा इसको मैं। तो भाई देखो, अगर आप साइड ऑफ एक्स ज्वाइन करेंगे तो आपको पहले वीक के अंदर 50 ऑर्डर करने पड़ेंगे अगर आपको इंसेंटिव चाहिए तो, क्योंकि कंपनी आपको इंसेंटिव भी देती है। पहले 50 ऑर्डर करेंगे तो 1 वीक के अंदर, वो भी अगर 1 वीक के अंदर 50 ऑर्डर नहीं करेंगे तो इंसेंटिव नहीं मिलेगा। पर आपको 50 ऑर्डर पहले करने पड़ेंगे तब जाके आपको पेमेंट मिलेगी। तो यार ये जो नियम है ना साइड ऑफ एक्स का, ये सबसे बेकार नियम है। अब मान लो कि मैं 50 ऑर्डर करूँगा तो मुझे 50 ऑर्डर करने के लिए पेट्रोल भी चाहिए, पेट्रोल के लिए पैसों की ज़रूरत होती है और पैसे मेरे पास मुझे किसी से मांगने पड़ सकते हैं पेट्रोल डलाने के लिए। तो यार ये नियम साइड ऑफ एक्स का बहुत ही ज़्यादा गलत है। तो मुझे लग रहा है शायद कि साइड ऑफ एक्स मैंने ज्वाइन इसलिए किया है कि मैं साइड ऑफ एक्स की कमियाँ आपको बता सकूँ। बाकी देखो यार, मैं एक बात और बता दूं आपको कि शायद यही एक चैनल है जो आपको कंपनियों की कमियां बताता है। और अभी कल की बात बताऊं तो एक भाई ने पोर्टर में कॉल करके उनको इंश्योरेंस से रिलेटेड काफ़ी सारी बातें पूछी कि भाई आप इंश्योरेंस करते हो नहीं करते राइडरों का। तो कंपनी में जो कर्मचारी थे उन्होंने इंश्योरेंस से रिलेटेड में मना कर दिया कि हम लोग दिल्ली NCR में अभी इंश्योरेंस नहीं कर रहे। तो बाकी उनकी जो रिकॉर्डिंग है वो काफ़ी बड़ी थी, मैं रिकॉर्डिंग तो नहीं डाल सकता, पर उन्होंने बहुत अच्छा किया ये कंपनी से पूछकर। तो ऐसी चीज़ें आपको भी हमेशा पूछनी चाहिए। अगर मान लो कोई राइडर के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो कंपनी इंश्योरेंस देती है कि नहीं देती? क्योंकि अगर मान लो कोई दुर्घटना में किसी की जान चली जाती है तो उसकी फैमिली के लिए कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। तो भाई पोर्टर ही नहीं, मैं कहता हूँ जो भी कंपनियाँ काम कर रही है तो उनका हमेशा राइडर का इंश्योरेंस ज़रूर करना चाहिए। अच्छा एक चीज़ और है, अब जैसे बाइक टैक्सी सुप्रीम कोर्ट ने बैन कर दी है दिल्ली के अंदर, तो जब सुप्रीम कोर्ट ने बाइक टैक्सी बैन कर दी है उसके बाद भी आप सोचो ये कंपनियां जो है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को भी ये मान नहीं रही हैं, तो आप सोचो कि एक राइडर की बात क्या मानती होगी। और सोचो कि ऐसी कंपनी के साथ काम करना क्या सही है जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर तक को नहीं मान रही, वो एक आम इंसान की एक आम राइडर की बात को क्या मानेगी।
मैंने जानबूझ की बाइक टैक्सी चलाना बंद कर दिया है, क्योंकि भाई जो कंपनियां सुप्रीम कोर्ट की नहीं मान सकती वो हमारी आपकी बात क्या मानेगी। और मैं आपको भी सलाह देता हूं भाई, देखो आप किसी भी कंपनी कर लो, देख लो मैंने मजबूरी में आकर साइड इफेक्ट्स को ज्वाइन किया, कर रहा हूं। खाली बैठने से अच्छा है कि कुछ कर रहा हूं, थोड़ा सा कम मिलेगा, खाली नहीं बैठूंगा, अपने परिवार को परेशानी में नहीं डालूंगा। पर बाइक टैक्सी में जब तक नहीं करूंगा जब तक कि नया कानून आ नहीं जाता बाइक टैक्सी पर। ये देखो भाई फायर ब्रिगेड जा रही है, ये जैतपुर मोड़ है, नहर, गर्मियाँ आती आग लगनी शुरू हो जाती है, सारी चीज़ें सूख जाती हैं, पापड़ बन जाते हैं, हल्की सी चिंगारी लगती है किसी भी चीज़ पे आग लग जाती है। अभी आग बुझाने जा रही है रोड यहाँ के खुद ही ऐसे। भाई बड़ा आफत हो गया मेरे को तो ये ऑर्डर डिलीवर करने में, पतली पतली गलियों में घुस घुसा के यहाँ पर आए गया आखिर। ये लो भैया OTP होगा आपके पास, नहीं थैंक यू भैया, एक सेकेंड। अराइव कस्टमर लोकेशन डिलीवर्ड पिज्जा है, OTP बताना भैया 3604 हो गया। थैंक यू भैया, थैंक यू। चले भाई ये वाला ऑर्डर कंप्लीट हो गया, गर्मी बहुत ज़्यादा है भाई साहब, अभी पतली गली में मेरे को मुड़ने के लिए भी जगह नहीं मिलती यहाँ से। अब ये पहली ट्रिप हमारे पास पोर्टर की आई है, तो ये यहाँ से हमारे को पिकअप लेना है जैतपुर से, और ये जाना हमारा सेक्टर 63 नोएडा, तो ये 236 रुपये की ट्रिप है और हम लोग जा रहे हैं पिकअप लोकेशन पर। जाकर पिकअप ले लेते हैं भाई, मेरी बात हो गई कस्टमर से, वो कह रहे हैं भाई थोड़ा सा सामान है इसमें, पीछे बांध के ले जाके जाना पड़ेगा, बांध के बैग के अंदर नहीं आएगा, पास में ही है 100-150 मीटर से ही है, जाके पिकअप लेते हैं यहाँ से। उठना पोर्टर से आया हूँ सर, है पोर्टर से आया, आप ही क्या आया ना अपरा फार्मा है ना, नोएडा का जाना है ना सेक्टर 63। टेप ऐसे नहीं ले जाओ, ले जाओ दिक्कत थोड़ी है कुछ, टेप का क्या करना है, पेमेंट इसकी वहीं होगी आप पर, पेमेंट वहीं होगी, ठीक है। ये वाला जो है भाई ये बॉक्स ले चलते हैं नोएडा सेक्टर 63। बाइक टैक्सी तो यार हम लोग कर ही नहीं रहे, अब हमारे लिए सबसे बड़ी आफत यह है कि हमारे को रिटर्न में काम मिलना बड़ा मुश्किल हो जाया करेगा। बाकी चलो भाई अब जो भी है भोगना तो पड़ेगा, क्या करें, बांध दिया इसको ऐसे, कहीं नहीं जाने वाला ही, तो वो ठीक नहीं है। और अभी फ़ोन देख रहे हो इतना हीट मार रहा है गर्मी की वजह से, गर्मियों में बाइक का नुकसान, मोबाइल का नुकसान, सारा नुकसान ही नुकसान है, फ़ायदा तो कुछ है ही नहीं। और वैसे भी इससे पहले वाला जो ऑर्डर डिलीवर किया था उसके बाद अब तक कम से कम एक घंटा टाइम पास करने में इधर उधर, बड़ी आफत है गर्मी में भाई। चलो चले यहाँ से, 19 किलोमीटर का है, नोएडा में इंटर हो गए भाई हम लोग, नोएडा में आप सभी का स्वागत है। चॉइस है हमारे पास कम है और काम का हाल बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। ये देख रहे हो क्या मस्त तरीके से रेडी जा रही है ई रिक्शा पे, इसी तरीके से धीरे धीरे ना ये ट्रेन की तरह बना देंगे, पूरा आगे इंजन ई रिक्शा का, पीछे सारे रिक्शे डब्बे की तरह डग 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 डग, देख रहे हो मस्त तरीके से। चले भाई फर्स्ट फ्लोर पे है, डिलीवर करना है, फर्स्ट फ्लोर पे जाकर लेके जा रहे हैं भैया जी। पेमेंट है सर इसका, पेमेंट है इसका, है हाँ जी 236 रुपये। चले भाई ये पेमेंट हो गई है और रेटिंग 5 स्टार दे देते हैं भाई। बाकी हमारे को यार वेट है दूसरी ट्रिप का, पोर्टर पर भाई काम की थोड़ी सी कमी है, वरना पोर्टर जैसी कंपनी मार्केट में कोई भी नहीं है। तो ये देखो भाई साहब दो पराठे खाने भारी कर दिए रैपिडो ने, टेबल पर भी प्रचार लगा रखा रैपिडो ने अपना, तो ये हाल है कि आदमी को राइडर को ना खाना खाने देते हैं चैन से,
ना जीने देते हैं चैन से। भागने जाओ तो पब्लिक टॉयलेट में भी रैपिडो का प्रचार मिलता है, खाने बैठो किसी की थाली प्लेट पे तो वहाँ भी रैपिडो का प्रचार। मुझे तो डर लगता है कहीं मेरे घर के छत पे ना रैपिडो लिख दे, सुबह आँख खोलते के साथ ही रैपिडो ही नज़र आए मेरे को। बाकी बाहर नोएडा में घूम रहा हूँ, कोई ट्रिप नहीं है, 1.5 घंटा हो गया पार्सल डिलीवर्ड करे, कोई भी काम नहीं है भाई, समझ में नहीं आ रहा भाई कैसे गुजारा होगा। देखो ऊबर मैंने ऑन किया था देखने के लिए, क्या पता कोई वो दे दे कनेक्ट, पर नहीं है, कनेक्ट नहीं दे रहा यार ये एक भी। अब मैं लगातार यार ये कितने ऑर्डर छोड़ूंगा, ये ऊबर मैंने ऑन किया ये सोच कर, मैंने कहा कोई कनेक्ट टकरा जाएगा तो ले लूँगा। सेक्टर 62 के पास भाई राइडरों का मेला लगा रहता था, आज यहाँ एक भी राइडर देखने को नहीं मिल रहा, नहीं तो यहाँ पर पूरा एकदम भीड़ लगी रहती राइडरों की, कोई राइडर नहीं है, कस्टमर्स तो हैं यहाँ पे वेट कर रहे हैं, कोई बुकिंग ही नहीं लग रही, लग रहा एक ये खड़ा है बंदा पूछते बज रही है भाई, कोई बज रही है, कोई है नहीं बज रही है, ये कैमरा है कर रहे हो ओला ओवर रैपिडो वगैरह, ओला ओवर दिल्ली में तो बैन हो गई ना, इस्कॉन टेंपल का नज़ारा है फ्लाईओवर के ऊपर से, क्या ज़बरदस्त है और कितनी अच्छी बनावट है इस मंदिर की भाई, बड़ा ज़बरदस्त लग रहा है, बच्चों को यहाँ पर लेके आने का मेरा बड़ा मन है। बाकी देखो भाई मैं बता दूँ आपको कि सिर्फ पोर्टर के भरोसे घर से निकलना मूर्खता है, इस काम में भाई कुछ बचा हुआ नहीं है अब, क्योंकि देखो पोर्टर के पास ज़रूरत से ज़्यादा राइडर्स हैं, जितना इनके पास काम नहीं उससे ज़्यादा इनके पास राइडर है। आप सिर्फ पोर्टर के भरोसे अगर घर से निकलोगे तो मेरी तरह नोएडा से वापसी घर खाली जाओगे, जैसे मैं जा रहा हूँ 25 किलोमीटर में अपना घर खाली जा रहा हूँ, कोई काम नहीं बज रहा, इस्तफाक होगा अगर कोई बच जाएगा तो, और बजेगा भी तो उल्टा सीधा बजेगा यार। ये वाली वीडियो यहाँ तक की है, मैंने आज 190 रुपये का काम पोर्टर के साथ किया, 60 रुपये का काम किया था एक साइड इफेक्ट के साथ, साइड इफेक्ट में यार मेरी जब 50 ट्रिप पूरी कम्प्लीट हो जाएगी, 50 ऑर्डर हो जाएंगे तब वो पैसे देंगे, यानी कि अभी फिलहाल जो है मैं पैसे कर करके काम कर करके उन्हीं को पैसे देता रहा हूँ, इनका कहना मतलब ये है। ये वीडियो मेरे भाई देखो यहाँ तक की वीडियो को यार लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मिलते अपने किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।